निधि ये पूछिए ना क्या क्या इस बात की आशंका है आरजेडी के यहाँ पर नेता विधायक डटे हुए हैं कि इस चुनावी माहौल में कहीं ऐसा ना हो लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसी कोई आशंका है क्या इन लोगों को? बिल्कुल, मैं एक बार जानना चाहूँ क्या आप लोगों को इस बात का डर है कि चूंकि चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में क्या आप लोगों को इस बात की आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है लालू जी? राष्ट्रीय जनता दल कभी डरती नहीं है, मजबूती के साथ चीजों को संघर्ष कर कर करके अब विजय प्राप्त करती है। जी आप क्या कहेंगे, आप लोगों को इस बात का भी डर है कि उनकी गिरफ्तारी? हम लोग को कोई डर नहीं है, हम लोग को हमेशा आशंका इस बात की रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, बीमार सब लोग जान रहा है कि उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उनको उतना देर बैठना नहीं है, उनके स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं, उसके बावजूद ये टॉर्चर करने की जो कोशिश है उस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ। पूरा सारे लोग इस मामले में बिल्कुल सेंसिटिव हैं, तो इस बात के लिए पता नहीं सरकार क्या इस पर सोच रही है, उसको इस निश्चित रूप से इन बातों पर ध्यान देते हुए और जल्द से जल्द उन्हें छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है, सरकार है कुछ भी कर सकती है, अगर ऑफकोर्स टॉर्चर ही कहेंगे ना, जो व्यक्ति किडनी बदलवा जिनका बदला गया हो और उनको अभी उतना देर बैठना भी नहीं है और उसको आप मतलब इस तरह से 8-8 घंटा 9-9 घंटा से बैठाए हुए हैं, तो यही काफी है, ये छोटा टॉर्चर नहीं हुआ। स्थिति में अगर गिरफ्तारी होती है तो आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए? गिरफ्तारी की बात नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार में बैठे स्टाफ है, उसी से बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको तस्वीर में दिखा दूं रुमाना, ये सभी बड़े चेहरे आरजेडी के जो सुबह से बैठे हुए हैं, क्योंकि सामने लालू जी कर दिया, पीछे वो जो आरजेडी के नेता जो फोन पर बात कर रहे थे, निधि आपने मिस कर दिया, उन्होंने कहा मेरा स्टाफ है नीतीश कुमार, उसी से बात कर रहे हैं, आपने मिस कर दिया निधि, दोबारा जाना चाहिए आपको उनके पास और उनसे ये सवाल भी पूछ लेना चाहिए लगे हाथ कि ईडी का नोटिस जो पहले ही सर्व किया गया था जिसके तहत आज ही लालू प्रसाद यादव को पेश होना था, तो तब तक तो सरकार थी ना, तो तभी ईडी का नोटिस तो सर्व हो गया था, तो इसमें वेंडेटा कहां से आ गया पूछिए। हाँ ये एक सवाल है कि ये ईडी का नोटिस जब आया था, ये देखिए बहुत वाजिब सवाल है आपसे पूछना, ये जब ईडी का नोटिस आया था ये तब का है जब सरकार थी आपकी यहाँ, आप जेडीयू दोनों साथ में सरकार में थी, तो ऐसे में आप ये पॉलिटिकल वेंडेटा इसको कैसे कर? पॉलिटिकल वेंडेटा कोई, मैं कह रहा हूं कि भारत में देश के अंदर जो सरकार है उसको सबसे ज़्यादा डर इस मास लीडर से है, जो सबसे देश का सबसे बड़ा सेकुलर और मास लीडर लालू प्रसाद जी से है, इसीलिए इस तमाम तरह के कार्रवाई की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी कि क्या कहेंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे हुआ, पहले से तो नोटिस था? अब देखिए गिरगिट के बारे में हमसे मत पूछिए, सीधा बात। हाँ, जैसे सांप केचुल छोड़ता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया है आपको कि उसी तरह से हम सपेरा खोज रहे हैं कि भाई सांप कितने दिनों में केचुल छोड़ता है, इसे ज्यादा हम आपको क्या बताएं, बाकी हमारा सुनना होगा तो सदन का सत्र शुरू होगा, आमने सामने होगा, जो भी बात होगा फ्लोर पर होगा, आपके माइक पर थोड़ी कुश्ती होगा। स्वाभाविक है हम बोलेंगे, आप भी तो एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस राज्य की प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो आपको भी तो सब कुछ पता है, हमसे ज्यादा तो आपको पता है। अब तो एक तरह से उनका जो नाम है वो एक तरह का बिहार में गाली बन चुका है, कोई आदमी अगर अपना पहले से उस टाइप का नाम रखा है तो कहता है कि हजूर हमको बदल दीजिए मेरा नाम, हमारा नाम वो मत बोलिए, नीतीश नाम बदल दीजिए आपको अब लोग। अब देखिए आप समझ ना गए, हम हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं, अरे आप एक प्रबुद्ध नागरिक है, आपको सब कुछ पता है। निधि इनसे ये भी तो ये तस्वीर है कि इन लोगों को लग रहा है कि इनको डराने का काम किया जा रहा है, तो फिर ये लोग यहाँ बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं, ये भी क्या पलटकर उसी तरीके से आंखों में आंखें डालकर घूरने वाला जो खेल होता है वही खेल रहे हैं यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर, कानून अपना काम कर रहा है? बिल्कुल मैं इसका जवाब श्याम रजक जी से लेना चाहूंगी, ये सत्ता के इस खेल में, शाह और मात के खेल में एक तरफ पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ बैठकर क्या संदेश दे रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं है, आंखें तरेर कर जवाब? लड़ने वाले नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल तो विचारों के सवालों को लेकर के और मुद्दों को लेकर के बराबर लड़ने का काम की है,
जब हमारी लड़ाई जब भी सवालों का होता हम लड़ाई लड़ते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? ये बैठना क्या, हमारे नेता से अंदर पूछताछ हो रही है, हम उनके अनुयायी हैं, हम सब लोग यहाँ बैठ कर करके इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेता बीमार हैं। अब बीमारी के साथ जिस तरह से संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा देश की सरकार कर रही है, इस बात को साफ परिलक्षित हो रहा है कि ये सरकार सिर्फ सभ्यता और संस्कृति की बात करती है लेकिन सही रूप में जो कार्यान्वयन होता है तो संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर चले जाते हैं। ऋतु जी क्या कहेंगे? कहना क्या है, जो जिस व्यक्ति मतलब जो अपने आप को सहनसा समझता है उसे लगता है कि वो संविधान से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, और जो संवैधानिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको वो अपने, जैसा कि श्याम रजक सर ने बताया, अपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसी तरीके से वो देख सकते हैं कि क्या दबाव बनाया जा रहा है। अगर वैसे जीत नहीं सकते जनतंत्र से तो दबाव बना करके और डरा करके जीतेंगे। सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं जहां जहां जैसे जैसे चल रहा है, क्या एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सिलेक्टिव टारगेटिंग करना ये बंद करें। देखिए सीधी सी बात है, 2014 का चुनाव जब लड़ा गया तो गुजरात मॉडल बना के लड़ा गया, लेकिन 2024 का चुनाव में 22 महीने का तेजस्वी का मॉडल इतना भारी पड़ गया कि नरेंद्र मोदी जी बौने पड़ गए उसके सामने। छोटा कद हो गया, 22 महीने का कार्यकाल का जो तेजस्वी कार्यकाल रहा, जो नौकरी का कार्यकाल रहा, उसे इतना डर गई है केंद्र की सरकार, इतनी ज्यादा 22 महीने। एक सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि झुक गई है आरजेडी, भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज यहाँ डरी सहमी बैठी हुई है, ऐसा बोल के हमें वो हिंसक बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता ने हमें संयमित रहने का निर्देश दिया है और हम कानून का पालन करते हुए, कोर्ट का सम्मान करते हुए अपने नेता को साथ ले जाएंगे, यहाँ से साथ लेकर जाएंगे, पर क्या ऐसी स्थिति बनेगी? कुछ नहीं बोलेंगे, अब कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारे लीडर कल आपके चैनल में और जितना भी था चैनल सब में बोल चुके, तो उससे भी ज्यादा कुछ बोलने का बचा है क्या? तो आप बेकार अपना मेहनत कर रही हैं। नहीं नहीं, देश देख रहा है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि देश नहीं देख, देश इस चीज को नहीं देखा। अब तो भाई, अब तो रिक्शा खोपचा वाला, सब्जी वाला, किसी से बात कीजिए, नाम बोलने का जरूरत नहीं है, जैसी बोलिएगा पलटू राम तो तुरंत बता देगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। तो भाई अब आपको ये सब पूछने का जरूरत है क्या? आप बाहर में जाइए, समीक्षा कीजिए, जो गरीब गुरबा लोग सोए हुए हैं आप उनका आक्रोश देखिए, जितने भी नौजवान हैं उनका आक्रोश देखिए, जितने बेरोजगार लोग हैं उनका आक्रोश देखिए। लंपट शैली है राजनीति, तो लंपट शैली है आरजेडी की, जो 17 महीना में, उस पर भी सवाल पूछ ही लीजिए जब इन्होंने पलटू राम बोल दिया। तो रोमाना, पलटू राम तो पिछले सरकार तक थी, इस बार एक नया नाम दिया गया है और वो है गिरगिट। कहा जा रहा है कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं नीतीश कुमार, कल तक साथ थे, आज उन्होंने नया रंग बदल लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।